नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हम चल रहे हैं मेंसुरेशन। गणित एक ऐसी विषय है जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम में आती है, और उन प्रतियोगिता परीक्षाओं में अगर हम देखें तो मेंसुरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और गणित में मेंसुरेशन जो इम्पोर्टेंट पार्ट होने के साथ साथ, हम इसके आज 10 क्वेश्चन और पढ़ेंगे, है ना। इसकी PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके आप डाउनलोड करिए और इसको 10 मिनट जो आपको 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हमारे जो भाई बंधु सखा मित्र जो बैंक और SSC की तैयारी कर रहे हैं, वो इसको 5 मिनट में सोल्व करें और दूसरे सारे 7 मिनट में सोल्व करें, ठीक है। बिल्कुल ईमानदारी से करें और अपने आंसर को एक तरफ रख दीजिएगा, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखिएगा। सॉल्यूशन देखने के बाद जो भी आपके आंसर आए उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा। तो हम यहाँ पे एक एक सॉल्यूशन करवाते हैं। तो ये आपको वीडियो में कहीं पर भी आपको लगा है कि जो हम प्रोसेस चला रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले रहे हैं, अगर इनसे आपको कहीं कोई दिक्कत हो या कहीं कोई आपको और सुधार की आवश्यकता हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव बिल्कुल एकदम दीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको इन चीज़ों के पास पहुँच पाए। चलिए, हाँ, अब हम शुरुआत करते हैं हमारे पास 81 से। ये टेस्ट नंबर 9 है। कौन सा नंबर? ये टेस्ट नंबर क्या है? 9। ये नौवा नंबर का टेस्ट है। नौवे टेस्ट के बारे में आपने सोल्व कर लिया होगा। अब आराम से इसके सॉल्यूशन पढ़िए, ठीक है। किसी बेलन के आधार की त्रिज्या व ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि की जाए तो आयतन में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? देखिए, जब इस प्रकार के सवाल आते हैं, देखिए यहां पर इस पूरे में आपको 2-3 प्रकार के सवाल दिख रहे हैं, आयतन में या परसेंटेज वृद्धि। एक तो देखिए यहां पर वैसे बेलन में क्या है, R है, H है, इन दोनों के साथ कुछ छेड़छाड़ करके और आपको वो परसेंटेज में वृद्धि पूछेगा या कमी पूछेगा। पहली बात तो वृद्धि पूछ रहा है, वो बढ़ा रहा है तो वृद्धि पूछेगा, या फिर अनुपात पूछेगा। उन तीनों ही कंडीशन में आपके सवालों को हम चक्रवर्ती ब्याज के तरीके से हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि चक्रवर्ती ब्याज में हमने देखा कि अगर 5-10% की वृद्धि हुई तो 10% की वृद्धि का मतलब होता है 1/10 मतलब 10 की चीज 11 में हो गई, ये होता है। अगर ये एक बार है तो ऐसा हो गया, दो बार है तो ऐसा हो गया, तीन बार है तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। अगर तीन बार है तो ये यहां पे 1000 और यहां पे हो गया 1331, समझ पा रहे हो? ये इस प्रकार की चीजें हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इसका मतलब होता है अगर आपके उस जो भी आयतन या कुछ निकाल रहे हैं उसमें तीन चीजें मतलब R अगर दो बार है और H अगर एक बार है, तो ध्यान रखिएगा R और H में परिवर्तन करने का इस प्रकार से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको आराम से समझाऊंगा, चीजों में इतनी जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे से करेंगे हम, बिल्कुल समझिएगा। पर ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस ही है जो आपको बिल्कुल एकदम सफल बनाती है, आगे ले जाती है। करते हैं, किसी बेलन के आधार की त्रिज्या ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि कर दी जाए। अब 20% की वृद्धि का मतलब होता है, अगर हम परसेंटेज चैप्टर हमें पढ़ना है फिर भी मैं बता देता हूं, 20% का मतलब होता है 1/5। और जब भी वृद्धि करने की बात कब बोलता है, इसका मतलब होता है 5 अगर चीज है, ये 5 तो 1 की वृद्धि करने पर चीज हो जाएगी 6। कितनी हो जाएगी? तो किसी बेलन के आधार की त्रिज्या व ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो 5 की चीज कितनी होगी? 6। तो त्रिज्या अगर 5 थी तो 6 हो गई। पर त्रिज्या कितनी बार होती है? 2 बार, क्योंकि हम जब आयतन की बात करें तो आयतन का सूत्र होता है πr²h, तो r कितनी बार होती है? 2। तो त्रिज्या एक और बार 5 से 6 जाएगी। और ऊंचाई कितनी बार होती है? 1 बार होती है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 5 से 6। तो अब इनका गुणा कर लो, 5, 5, 5, 125, 6, 6, 6, 216, ठीक है। इसका मतलब होता है अगर आपका परिमाप, अगर ये देखा जाए, अगर आप यहां पे ध्यान रखिएगा, मान रखिएगा बिल्कुल, ये 5, ये 5, ये 5, ये मान रखिएगा, तो पाई आर कितना हो गया? 5 × 5, और एच कितना हो गया? भी 5 मान लीजिए, क्योंकि उसने कहा है कि दोनों में 20% की वृद्धि, तो वो दोनों बार तीनों बराबर मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो कितना हो गया? 125 पाई, यानी इसका मतलब होता है आयतन 125 पाई होगा। अब 20% की वृद्धि कर दी सभी में, यानी 20% का मतलब होता है 5 की चीज 6 की हो गई।
पांच की चीज छह की हो गई, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपके पास जो चीज बची है वो चीज हो गई है आपके पास पाई, और छह गुणा छह गुणा छह यानी 216 पाई, यानी 125 से चीज कितनी हो गई 216। अगर चीज 125 से 216 हो गई तो कितना बढ़ गई उसको बताएंगे। तो यहां बढ़ा 75 और यहां बढ़ा 16, तो 75 और 16 कितना होता है 91, यानी 91 बढ़ गई है 125 पे, तो 100 पर कितनी ये आपका सवाल है। कितना बढ़ा इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास 91 बन गई है 125 पे, तो 100 पे कितना, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से काट लो, 25 चौक 100, 25 पांचो 125, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पे, 25 पांचो यहां 25 चौक 100, 25 पांचो 125, यहां पे करेंगे तो 4 9 चौक 36, 364 बटे 5। अब यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पर अब देखिए ये उत्तर भी पूरा उत्तर है, ये भी पूरा है, ये भी पूरा है, अधूरा उत्तर ये रहा केवल, अधूरा मतलब होता है दशमलव में, तो डायरेक्ट आप यहीं से उत्तर लगा सकते थे। वैसे उत्तर हम डायरेक्ट यहीं से लगा सकते थे, 91 बटे 125 गुणी 100, उत्तर दशमलव में आना है तो उत्तर यहां से डायरेक्ट लगा सकते थे, ठीक है। अब फिर भी आपको सोल्व करना है तो करिए, 5 7 तो 35, 1 बचा, 1 बचा तो 5 दूनी 10, फिर उच्च बचा 5 8 40, 72.8, 72.8%, ये आपका एक तरीका ये हो गया। एक और तरीका है जिसमें, अब इसमें क्या हो रहा है, आपको कोई भी फार्मूला भी यहां पे आपको लगाना नहीं है, अप्लाई नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल ये याद रखना है कि किसी भी चीज में वृद्धि कर रहा है आयतन में, तो आयतन में आर कितनी होती है, दो बार होती है, आर स्क्वायर होता है, और एज कितनी बार एक होती है, बस उसको आप अप्लाई करिए। एक और भी आराम से आप सरल भी कर सकते हैं, क्योंकि आंकड़े आप ले सकते हैं, अगर आपने आंकड़ा लिया 10 तो उत्तर कितना हो गया 20% की वृद्धि, मतलब कितना हो गया 12 भाई, अगर आपने आर ले ली 10 तो 12 हो गया, ये कितनी बार है, दो बार, और एज भी कितनी बार है 10 और 12, 10 का कितना 1000 और 12 का क्यूब कितना होता है 1728, तो 1000 की चीज 1728 होगी, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 72.8, दिख ही रहा है यहां पे 728 वृद्धि होगी, 728 की वृद्धि हो गई 1000 पे, तो 100 पे कितनी होगी 72.8, ये दिख रहा है। ये इस प्रकार के सवाल है, बड़े शानदार है, कुछ भी इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हो, ऐसा कॉन्सेप्ट हम कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी चीज है, अगर अनुपात भी पूछे इसमें, अगर अनुपात भी पूछ ले कि आपका पिछला आयतन का आयतन के अनुपात का क्या होगा, तो ये देखिए ये वर्तमान का, ये मतलब पुराना आयतन, और ये वृद्धि करने पर नया आयतन, तो 1000 बटे 1728 डायरेक्ट इसको काटाकुटी कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाए, यहीं से भी आप सवाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कहीं कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं समझ में आए हम उस कॉन्सेप्ट को लेके आपको पढ़ा देंगे। एक आयताकार लोहे की चादर 14 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर चौड़ी है, ठीक है, कोई बात नहीं, चौड़ी कितनी है 14 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर, और इसको चारों चौड़ाई को स्थिर अक्ष मानकर लंबाई के सिरे को पकड़कर चारों ओर घुमा दिया जाता है, इस तरह बनी आवेलनाकार आयतन के घन का घन से मतलब आयतन निकालिए। अब आप सोचिए, मैंने आपको बेलन की परिभाषा जब समझाई थी तो बेलन की परिभाषा भी यही समझाई थी कि एक आयत की, यह आयत हो गया है ना, यह आयत हो गया, आयत की, यह आयत हो गया, आयत की किसी एक भुजा को अक्ष मानकर चारों तरफ घुमाने पर बनी आकृति क्या कहलाती है, बेलन कहलाती है। तो उसने कुछ नहीं कहा, बेलन ही कहा है, इस तरह बनी बेलनाकार आयतन। अब यहां तो बेलनाकार लिख भी दिया, अगर नहीं लिखता तो भी बोलना आपको आयतन क्या बनता, बेलन ही बनता। अब यहां पे बेलन देखिए, ये बेलन लंबाई कितनी है इसकी 14, ठीक है, आयताकार लोहे की चादर 14 सेंटीमीटर लंबी, और चौड़ी कितनी है 7। अब किसको अक्ष मान लिया उसने, इसको अक्ष मान लिया, इसको अक्ष मान लिया, अब इसको अक्ष मान लिया मतलब ये घूमेगी नहीं, घूमेगी कौन, लंबाई घूमेगी। अब क्या कह रहा होगा, लंबाई के सिरे को पकड़कर चारों तरफ घुमा दिया जाए, यानी लंबाई इधर भी आ जाएगी, ये भी 14 हो जाएगी, ये भी 14 हो जाएगी, इसका मतलब होता है ये इस प्रकार का एक बेलन बन चुका, ठीक है। अगर इस प्रकार का बेलन बन चुका है तो यहां पर जो एच होगी वो कितनी होगी 7, और आर बराबर कितनी हो जाएगी 14। हो गया आपका काम, हो गया आपका काम।
अब देखिए तो इस तरह बनी आयतन ज्ञात कीजिए। अब आयतन का मतलब होता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर में एच का गुणा करना। देखिए मैं आपसे हमेशा, आपको व्रत जब पढ़ाया था तो मैंने व्रत में, देखिए आप चीजें जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते जाते हैं तो आपने देखा होगा कई सारी चीजें हम तैयार रखे जाते हैं। पेन क्या पेंसिल हम छिलके ले जाते हैं घर से? छिलके ले जाते हैं, पेंसिल बिल्कुल छिलके ले जाते हैं, पेन के बिल्कुल अगर आपने खोल रखा होगा तो उसका ढक्कन पीछे लगा देते हैं, मतलब कई सारी चीजें बिल्कुल माइंडली प्ले, ठीक है। पानी पी के जाते हैं, कहीं आपको बीच में प्यास नहीं लगे, है ना, पूरी तरह से हम फ्रेश होके जाते हैं, कंप्लीट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ों को लेके जाना पड़ेगा आपको। देखिए हमने जब व्रत पढ़ाया तो व्रत में आपको मैंने बताया था कि जब व्रत की त्रिज्या व्यास और उसके परिधि का अनुपात 22:7 होता है। अगर ये कितनी होती है, ये परिधि है और ये कितना है, व्यास है। तो ये परिधि अगर 22 है तो व्यास कितना है, 7। इसका मतलब था 7 का पहाड़ा और ये इधर का पहाड़ा चलता रहता है। और मैंने आपको ध्यान रखिएगा यहां पर क्षेत्रफल भी बताया था, यानी अगर त्रिज्या 7 हो तो क्षेत्रफल 154 होता है, अगर त्रिज्या 14 हो तो क्षेत्रफल 616 होता है, बताया था। शायद मैंने आपको 5 बताया था। वो सारणी अगर आपके दिमाग में होगी तो उत्तर बहुत आसान आते हैं। अब यहां पर पाई आर स्क्वायर, यानी आर कितना है, 14। आर 14 है, आर कितना है, 14। अगर आर 14 है इसका मतलब होता है व्यास कितना रहा होगा, 28। तो 28 रहा है, यानी 7 चौक 28, तो 22 चौक 88 कितना हो गया, 22 चौक 88। अब 88 में कितने का गुणा करना है आपको, आपको 88 में कितने का गुणा करना है, यानी ये 88, इस 86 में कितने का गुणा करना है, 7 का गुणा करना है। 7 का जैसे ही गुणा किएंगे तो आपके पास ये उत्तर पहुंच आ जाना चाहिए, ठीक है। ये 88 नहीं, यहां पे देखिए एक थोड़ा सा, ये देखिए आपको मैंने उस समय बताया था कि 22 होता है, 7 होता है, 14 21 28। अब यहां पे त्रिज्या कितनी हो गई, व्यास अगर 28, क्योंकि त्रिज्या कितनी है, 14, तो व्यास कितना होगा, 28। अगर 28 त्रिज्या है, 28 व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 14, और त्रिज्या 14 है तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, 616। ये मैंने बताया था आपको। देखिए ये याद होगा तो आप इस सवाल को यूं करके कर सकते हैं, एक आयताकार लोहे की चादर 14 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर चौड़ी की, 10 सेंटीमीटर डायरेक्ट आपको उत्तर, तो आपका उत्तर क्या होगा, इस 616 में 7 का गुणा कर दें, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल मतलब होता है व्रत का क्षेत्रफल। व्रत का क्षेत्रफल निकालना है जब त्रिज्या कितनी है, 14 है, तो त्रिज्या अगर 14 है तो व्रत का क्षेत्रफल कितना होगा, 616। 616 में 7 का गुणा किया तो 7 42 7 11 और 1 43 12 इसका उत्तर है। आपका उत्तर कितना होगा, 43 12। अब इसको डायरेक्ट और कैसे करते हैं, डायरेक्ट नहीं है, आपको यहां पे चीजों को इतना वहां पे चित्र थोड़ी बनाना है। अब आपको सवाल देखिए, एक आयताकार लोहे की चादर 14 सेंटीमीटर वो 7 सेंटीमीटर चौड़ी, इसके चौड़ी चौड़ाई को स्थिर मानकर, जिस भुजा को आपने स्थिर अक्ष मान लिया है वो चीज हमेशा ऊंचाई होगी, ध्यान रखिए, बस बात ही खत्म। अगर वो ऊंचाई होगी तो वो क्या होगी, त्रिज्या। अब इसका आयतन निकालना है तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है नीचे आधार का क्षेत्रफल। आधार में त्रिज्या कितनी है, 14, तो त्रिज्या अगर 14 है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 616, और 616 में किसका गुणा करना है, एच का गुणा करना, तो 616 में एच का गुणा किया, 13312, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार से सवाल करिएगा तो ही मजा आएगा, नहीं तो क्या होता है, आप सोचेंगे पाई का मान 22/7 रखूं, आर का मान रखूं। ध्यान रखिएगा लाखों लोग यहां पे तैयारी कर रहे हैं, और अगर लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं तो मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे जैसे कई सारे पढ़ाने वाले स्टूडेंट्स भी तैयारी कर रहे हैं। अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा फिर नंबर कैसे आएगा। नंबर मतलब हमें टीचर के, जहां पर टीचर सोच सकता है वहां तक आप सोच पाएंगे, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं, उन दोनों में रेशो बहुत गड़बड़ाया हुआ है सर। अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट ही नंबर ऑफ पोस्ट ले जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, ये बिल्कुल, अगर इस सवाल में भी अगर आपने 14 मीटर व्यास, व्यास अगर 14 है तो आपके दिमाग में जाना चाहिए 7 × 14 = 22 × 44। अगर 44 व्यास है तो त्रिज्या होगी 7, त्रिज्या होगी 7 तो इसका क्षेत्रफल होगा 154, और 44 उसकी परिधि होगी। सब कुछ मैंने बता दिया आपको, ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सब आपके हवा में। ये क्या है, ये परिधि है, ये व्यास है, ये त्रिज्या है और ये क्षेत्रफल है, यानी ये 2πr है,
ये आपके 2R है, ये R है और ये पाई आर स्क्वायर। ये पूरी सारणी आपको पता होना चाहिए, यानी ये 22/7, 7 का पहाड़ा व्यास होती है, 22 का पहाड़ा परिधि होती है और व्यास का आधा त्रिज्या होती है। चलिए अब यहां पे हम बात करते हैं 14 मीटर व्यास वाले 30 मीटर गहरे गोल कुएं में ₹5 प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर करवाना है। अब देखो कुएं में प्लास्टर करवाना है, अगर कुएं में प्लास्टर करवाना है तो ऊपर कभी प्लास्टर होगा नहीं और कुएं में पेंदे में भी प्लास्टर नहीं होता है। इसका मतलब होता है आपका ये सिरा और ये सिरा दोनों नहीं होगा। और जब किसी बेलन में ऊपर के दोनों सिरे, ऊपर का और पेंदे का सिरा अगर नहीं लिया जाता है तो वो वक्र पृष्ठ की बात करता है। वक्र पृष्ठ मतलब 2πRH। देखिए इस फार्मूला आपकी टंग पे होना चाहिए, जैसे बेलन को ले तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRH, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πR+H और बेलन का आयतन πR²H और चित्र आपके आंखों के सामने होना चाहिए। तो 14 सेंटीमीटर व्यास वाले 30 मीटर गहरे गोल कुएं में ₹5, तो मैं अगर इस सवाल को बोलना चाहूं तो यहां पे 14 मीटर व्यास है, अगर 14 मीटर व्यास है तो 7 × 14 तो 22 × 44, तो मेरा जो 2πR है वो कितना होगा? 44 होगा। क्या इस बात से आप सहमत हैं? कैसे करोगे? 2 × 22/7 × R = 14, 7 × आर कितना है 14, तो आर कितना हो जाएगा 7, 7 × 7 = 22 × 44। क्या ऐसे 44 लाओगे? ऐसे 44 लाओगे तो साहब आपकी नैया निकल जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट अगर व्यास 14, उस सारणी को याद करिए घर पे जाके, मैंने जब भी आपको व्रत पढ़ाया हो, देखिए प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए, प्लेलिस्ट में लगभग 50+ वीडियो होने वाले हैं, एक एक वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी एग्जाम में, फिर कह रहा हूं, इस सारे वीडियो में जो सारी चीजें लिखी हुई है ना, वो अगर आपको बैंक रेलवे ऐसे निकालना हो वो काफी है। मैं और चीजें करवा रहा हूं पर जितना टॉपिक मैंने पढ़वाया वो काफी है, कहीं और से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं, ठीक है। टू देखो 2πR हो गया तो 44 हो गया। एज कितना है इसमें? एज कितना है इसमें? 30 मीटर है, 30 मीटर गहरा कुआ, और ये हो गया। अब उसके बाद प्रति वर्ग मीटर की लागत कितनी है? ₹5 प्रति वर्ग मीटर, तो 5 का गुणा कर दो इसमें, बस ये होता है और क्या। अरे प्रभु ये उत्तर है, तो कुछ नहीं करना। अब करो गुणा, 5 दिया 15, 150, 150 मतलब 1500, 15 × 60, 15 × 60 और 6 × 66 और 1 0 लगाओ, ₹6600 का आपका खर्चा आएगा किसको? प्लास्टर करवाने का। तो आपका उत्तर होगा 6600, ये दूसरा उत्तर। समझ पा रहे हो? बड़े प्यारे क्वेश्चन हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए अब इनको मैं दो को रब कर देता हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ, ठीक है। एक भवन में 3.5 मीटर ऊंचे 8 बेलनाकार खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। भवन में बेलनाकार खंभे लगे हुए, आपका जो महल है उसमें खंभे लगे हुए। अब उस बेलनाकार खंभे लगे हुए, वो बेलनाकार खंभे कितने हैं? 8 है, ठीक है। और ऊंचे कितने हैं? 3.5 मीटर ऊंचा और 8 बेलनाकार खंभे लगे हैं। आधे का व्यास 35 सेंटीमीटर और आधे का व्यास 70 सेंटीमीटर है। ₹12.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग करने का खर्चा। अच्छा, रंग करवाने के लिए कौन सा क्षेत्रफल काम आएगा? पहली बात तो रंग करने के लिए हमेशा क्षेत्रफल काम में आता है। तो किसी भी आकृति में हम घन घनाभ बेलन शंकु देखें तो इसमें दो आकृतियां होती है, वक्र पृष्ठ होता है और संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो यहां पर हम खंभे को रंगना है तो खंभे के ऊपर कोई रंगते नहीं है और नीचे कोई रंगते नहीं है, यानी इसका मतलब होता है कोई भी खंभा जो रंगाता है, ये खंभा है आपका बेलनाकार खंभा है, तो ये रंगने का काम ना तो यहां होगा ना यहां होगा, यानी इसका मतलब होता है आसपास होगा और उस आसपास की चीज को बोलते हैं परिधि, ठीक। तो इसका मतलब अगर हम सवाल देखें तो ये बोल रहा है कि 4 खंभों की परिधि कितनी है, परिधि निकालना है, और 4 खंभों की परिधि निकालना है उन दोनों की, और उसमें किसका गुणा करना है? ऊंचाई का गुणा करना है, ठीक है। उसमें ऊंचाई का गुणा करने के बाद 12.5 का फिर गुणा कर देना है, उत्तर आ जाएगा 10। इतना है, सही सवाल है। अब इसको कितना फास्ट आप कर सकते हो, सोच कितना सकते हो, देखो मैं सोचता हूं वैसे सोचने में, यानी सवाल ऐसा है 2πR1H + 2πR2H, क्योंकि दोनों की त्रिज्या और व्यास अलग दे रखी है, मतलब व्यास दे रखा है पर व्यास कितना है 35 सेंटीमीटर या 70, दो अलग अलग हो गए, मतलब ये 4 खंभे हो गए और ये 4 खंभे हो गए, ठीक है। समझ पा रहे हो ना, यानी ये भी कितने खंभे हो गए? 4, और ये भी कितने खंभे हो गए? 4, तो 4 और 4 कितने हो गए? 8। और एच कितनी है इसमें? एच यहां रही तो इस एच को भी कॉमन निकाल लूंगा, ये रही एच, एच ये हो गई एच, एच अरे अभी रखने दो, चलो आप बहुत सारे कंफ्यूज हो जाओगे, मजा नहीं आएगा फिर। ये क्या है? 4 खंभों का वक्र पृष्ठ, ये क्या है? 4 खंभों का वक्र पृष्ठ,
तो 4 का गुणा कर दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, 12.5 का खर्चा करना है, तो इसमें कितने का गुणा करूं मैं, 12.5, बस यही आंसर है। अब इसमें क्या हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ये सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है और ये भाई साहब मीटर में है, तो केवल 100 का भाग देना पड़ेगा। यानी मीटर को क्या कर देंगे, सेंटीमीटर को किस में बदल देंगे, मीटर में बदल देंगे, 100 का भाग देंगे, इतना सा काम है। अब मैं आपको बताता हूं इसको फास्ट कैसे करना है। यहां क्या है, 2πr1, ध्यान से सुन लेना, कोशिश करना, मैं आपको है ना ध्यान एग्जाम पास करवाने के लिए पढ़ा रहा हूं, ना ही कि यहां पे शॉर्टकट ने बता के ना आपको भ्रमित करना चाहता हूं मैं। 2πr, 2πr का मतलब होता है परिधि। अगर किसी का व्यास 35 हो, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि 22 और 7 ये व्यास होता है और ये परिधि होता है, तो अगर व्यास कितना दे रखा है 35, तो 7 और 5 35, तो 22 5 110, तो ये 2πr कितना हो गया, 110 हो गया। और इस 110 में किसका गुणा किया गया, अब h का गुणा बाद में करेंगे, ये h बाहर चला गया ये, और इस 2πr2 में ये 70 है, 70 तो 22 7 धाम 70, तो 22 धाम 220, यानी 100 220 हो गया, ठीक। यानी अब ये h दोनों में कॉमन है, h कितनी है साहब, 3.5, और 3.5 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 3 12 और 2 14, ये हो गया 14, समझ पा रहे हो। अरे ये एज कितनी है, 3.5, ये 3.5 में 4 का गुणा करूंगा मैं, तो 4 3 12 और 4 2, तो इसका मतलब हो गया 14, और गुणा कितना, 12.5। साहब इतना सब करने की जरूरत नहीं है मुझे, 110 और 220 कितना हुआ, 330 गुणा 14 गुणी 12.5, और यहां पे जो आर थी वो सेंटीमीटर में थी, इसलिए इसको मीटर में चेंज कर देता हूं, 2/100, खत्म, ये सवाल होगा बस, इसका कैलकुलेशन इतना ही बड़ा है, हो गया साहब, 8 खंबे का आपका पुताई का खर्च हो गया। अब इसको काट लीजिए बड़ी शानदार तरीके से, दशमलव हटाया, 10 लगाया, ठीक है, ये 0 से ये 0 कटी आराम से, और क्यों कुछ मत, 25 5 125, 25 चौक 100, 2 2 4 2 7 14, 7 5 35 और 33, तो उत्तर आया 33 में 35 का गुणा करो 2। अरे साहब 33 में 35 का गुणा, मैंने आपको गुणा की ट्रिक भेजा, जाइए हमने मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, और मैंने गुणा शॉर्टकट में बता रखा है, वहां पे जाके सारे गुणों को सीख के आइए और फिर उसके बाद आइए। ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ मेंसुरेशन, इट इज द क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। 33 में 35 का गुणा करना मतलब होता है दो संख्याओं के बीच में गुणा करना, यदि उनके बीच में डिफरेंस कितने का हो, 2, तो कुछ नहीं करना, 34 का वर्ग करके घटाइए, सब वर्ग याद नहीं है तो ध्यान रखिए जाके सो जाइए, नहीं पढ़ना है मेंसुरेशन अगर आपको चीजें वर्ग याद है, 100 तक वर्ग याद नहीं है, 30 तक पहाड़े याद नहीं है आपके, 30 तक क्यूब याद नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ये मैथ्स आपके लिए नहीं, ये मैथ्स केवल बस वीडियो है, जिनके जो चाहते हैं उन्हीं के लिए। तो 33 में 35 का गुणा करना 34, 34 का कितना होता है 1156, 1156 में से एक कम किया तो कितना हो गया 1155 2, करिए 2 5 10 हो गया, 2 5 10, उसके बाद कितना बचा, 1 बचा, 2 7 14, फिर 2 7 14, फिर 2 5 10, 577.5, ये नहीं आपका उत्तर है 500। बहुत ही प्यारा सवाल था, बहुत ही सुंदर सवाल था। देखिए कैलकुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, और कैलकुलेशन देखिए मेंसुरेशन तो वही खत्म हो गई साहब, 4 खंभों का वक्र प्रश्न निकाल लो, 4 खंभों का वक्र प्रश्न निकाल लो और उसमें 12.5 का गुणा कर दो, यो काम हो गया आपका। भाई मेंसुरेशन कहां खत्म हो गई, मेंसुरेशन तो वही खत्म हो चुकी है ना भाई, पर चारों खंभों के लिए आपने देखो फास निकाला ये, तो अब यहां पे देखो अभी सवालों को फिर रिपीट भी करो, आप कैसे करोगे इसको, फिर से देखो, 1 खंभे का व्यास कितना था 35, तो 7 5 35, 22 5 110, उसकी परिधि कितनी होगी 110, बात ही खत्म हो, उसके बाद उसकी कितनी होगी 70 है तो उसकी भी कितनी होगी 220, 110 और 220 कितना होगा 330, अब उसमें एज का गुणा करना, तो एज कितनी है 8.5, और खंभे कितने हैं 8, मतलब 4 ये और 4 है, तो बाहर कितना निकाला अपने कॉमन 4 निकाला, तो 4 में 8 का गुणा, 4 में किसका गुणा किया 8.5 का किया, तो 4 3 12 और 2 14, तो ये 14 तो आपका सवाल 330 × 14 × 12.5 बस यही हो, यहीं से स्टार्ट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इसके लिए पेशेंस चाहिए, इसके लिए बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, और ये प्रैक्टिस ही होता है, कोई भी चीज प्रैक्टिस से ही आपकी इजी बनती है, ठीक है। तो आशा करता हूं मैं सवाल समझा पाया, और जो भी चीजें मैं यहां पे बोलता हूं, एक बार मैंने बोल दिया कि मैंने इसको गुणा जाके देखो, ध्यान रखिएगा वीडियो को यही पास करिए और सारे गुणा देख के आइए, तभी जाके इन सवालों को करिए। मैंने बोला कि व्रत की वो चीज 22/7 वाली वहां देख के आइए, तो देखिए तो ही मजा है। ध्यान रखिएगा केवल ऐसा नहीं कि सवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता साहब,
परीक्षा में आएंगे, हाथ माथे हाथ देके बैठना, इन चीजों को सोचोगे इतने में समय निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भी बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। सॉरी 85। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264 है। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है 2πr, यानी 2πrh बराबर कितना है 264, वह आयतन कितना है 924। आयतन का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 924। फार्मूले याद है ना, तो बहुत सारी काम आ जाएंगे। तो इसके व्यास का ऊंचाई से अनुपात ज्ञात करिए। व्यास का मतलब होता है 2r में h निकालना है, यह काम करना है। अब व्यास में ऊंचाई का अनुपात निकालना है, इसका मतलब होता है ये दोनों दे रखा है। देखिए ये इक्वेशन है आर और एच की, इसमें से आर और एच की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट कर दीजिए, उसके बाद काम कर दीजिए। फिर भी मेरे एक हिसाब से तो इसका करिए, ये समीकरण नंबर एक और ये समीकरण नंबर दो, अगर दोनों को मैं भाग दे दूं तो मेरे पास तो सब काम ही खत्म हो जाएगा। यानी समीकरण एक में भाग दिया तो देखिए पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, यहां आर से एक आर कट गया, यहां टू बचा, तो बचा कितना 2/r। लो साहब क्या कर लो, गल हो गया 2/r। और उधर संख्या पड़ी, काट लो संख्या, कौन मना कर रहा है आपको, काटो। ये रहा इस 264, काट लू, यही काट लू ऊपर से क्या नीचे लिख के काटो। चलो चार से कट रहा है क्योंकि ये आठ से भी कट रहा है, चार से भी काट लो इसको, चार से काट लो तो चार छंग 24, चार छंग 24, चार दुनी 8, चार तिया 12, चार एकम 4, ठीक। अब ऊपर कितना बचा, यहां पे 2 बचा, 2 66 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 33, 33 बटे 231 कितना हो गया सर। अब इसको कितनी बार जाएगा है, 33 के पहाड़े में 231 कितनी बार जाते हैं, 7 बार, तो r बराबर कितना हो गया 7। लो सर R बराबर कितना हो गया 7। अगर R बराबर 7 हो गया तो इसका मतलब होता 2R बराबर कितना हो जाएगा 14। व्यास जाइए तो 14 हो गया। अब निकालना है बटे में H। अब देखो H बहुत प्यारी चीज है, बहुत प्यारी चीज है। अब बहुत सारे क्या होता है, सर यहां रख दूं, यहां रख दूं, यहां, अरे सर इतनी माथापच्ची नहीं करनी है। वक्र पृष्ठ कितना है 2πrh बराबर 264, ठीक। R कितनी आ चुकी है 7। अगर R 7 है तो व्यास कितना है 14। व्यास अगर 14 है तो परिधि कितनी होगी 22 × 44। इसका मतलब होता है ये 2πr कितना हो गया 44, यानी 264/44। कर दीजिए भाग 44 छंग 224। अरे सब जाएंगे साहब, कटेंगे, सब कटने के लिए पैदा हुए हैं। तो यहां पे 6, तो 14/6, तो 14/6 मतलब होता है 7/3। ये आपका उत्तर है 7/3। दैट्स योर आंसर। आया सवाल समझ, चीजों को आसान आसान करना पड़ेगा। नहीं तो आप सोचोगे सर मैं तो मान रखू, तो करो कोई बात नहीं, करते रहो 2 × 22/7 गुणित आर का मान 7 गुणित एच बराबर 264, ठीक है। 7 से 7 कटा, 22 × 44, वही 264 में 44 का भाग है तो दिया मैंने, पर फांस दिया। और या तो अभी आपको समझाते समझाते दे रहा हूं, आपको ये पता होना चाहिए ये 22/7 इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। 22 का पहाड़ा व्यास होता है, परिधि होती है, और 7 का पहाड़ा व्यास होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 भी आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। उधर कुछ क्वेश्चन एक कम पड़ रहा था इसलिए हमने इधर लिख दिया। आपके पास पीडीएफ में तो बिल्कुल 90 क्वेश्चन आपको सीरियल से मिले होंगे। चलिए अब नंबर क्वेश्चन नंबर 86 के पास आते हैं। अगर बेलन का वक्र पृष्ठ 880 है, जैसे जैसे ही वक्र पृष्ठ आया तो आपके दिमाग में हो जाना चाहिए 2πr में h का गुणा कर रखा है। अरे वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है 2πr, 2πr का मतलब होता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि में h का गुणा कर रखा है, तो 880 बना है, दो टुकड़े से बना है। इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, ओ हो आहा, तो इसका आयतन ज्ञात करिए। सवाल यू होना चाहिए साहब, आयतन निकालने का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर एच निकालना, यानी बेलन के इसमें एच का गुणा करना। वेरी सिंपल, देखिए वक्र पृष्ठ कितना है 2πrh बराबर 880 और इसकी लंबाई कितनी 20। लंबाई 20 का मतलब होता है ये h जो है कितनी है 20 है, ये h कितनी हो गई 20 हो गई। 2πr और h, लंबाई मतलब वही ऊंचाई, कितनी हो गई 20 हो गई।
अगर ये 20 हो गई तो 0 से 0 कटा, 2 से कटा, तो ये कितना हो गया? 44। अब बहुत सारा बोल रहे सर ये आर निकाल के लाओ ना, मेरे को नहीं चाहिए आर, तेरे को चाहिए तो निकाल ले, आर नहीं निकालना मेरे को तो 2πr। अगर व्रत की परिधि देखो अभी जस्ट आपके पास 22/7, ठीक, 22 का क्या हो गया 44, तो 44, तो इसका त्रिज्या कितनी होगी, इसका व्यास कितना होगा 14, और व्यास अगर 14 होगा तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 154, कितना होगा क्षेत्रफल, कितना होगा 154। अगर क्षेत्रफल 154 होगा तो 154 तो आ ही चुका है, यानी ये पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 154। क्यों निकालू मैं आर, क्या जरूरत है मुझे, क्योंकि मैंने ये चीज याद कर रखी है, मैंने याद कर रखी है इसलिए मैं लिख रहा हूं, आपने नहीं याद कर रखी कोई बात नहीं, लिखना याद करके लिखना, उसमें लिखना याद निकाल के। तो यहां पे क्या होगा पाई आर स्क्वायर 154 गुणित एज कितनी है मेरे पास 20। साहब कुछ नहीं करना, 1540 में मेरे को 154 दोना कितना होता है 3008, यानी मेरा उत्तर जो हो गया 3008 मतलब 308 सॉरी 154 मतलब 3080 सेंटीमीटर क्यूब। ये सारे में उत्तर जो होगा वो घन सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर कितना हो गया 3080 आया उत्तर। साहब इस सवाल को मैंने यूं और यूं करके आराम से यूं करके देख के उत्तर दे सकता हूँ। बेलन का वक्र पर 800 वर्षी और उसकी ऊंचाई कितनी है 20, तो 20 का इसमें भाग दिया तो कितना होगा 44, यानी बेलन का वक्र प्रश्न कितना होगा 44, बेलन का वक्र 44 तो 22 दुना 44 तो 7 दुनी 14, 14 अगर किसी का व्यास है तो त्रिज्या होगी 7, त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल होता है 154, 154 में 20 का गुणा करना मेरा उत्तर, 154 में 20 का गुणा करूंगा 3080 उत्तर आएगा मेरा। इट इज द क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं है चीजें, साहब ध्यान रखिएगा ठीक। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, यदि किसी शंकु के आधार का व्यर्थ व्यास दुगना कर दिया जाए, कोई बात नहीं, तो उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो शंकु के आयतन से अनुपात क्या होगा? देखो ध्यान से सुनना, ज्यादा कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना इसमें। देखिए पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, अब क्या किया उसने, माना कि आप तो ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेना, आर कितनी कर दी उसने, अर्धव्यास, अर्धव्यास में तो त्रिज्या दुगना कर दिया जाए तो पाई आर कितनी कर दी, दुगनी कर दी, तो माना कि आर थी एक तो 2r कर दी, तो 2r को कर दिया 2r का वर्ग और h वही रखा तो कितना उत्तर आ गया 2 × 4 = 4πr²h, यानी इसका मतलब होता है अब आयतन कितना हो गया 4πr²h, 4πr²h का मतलब होता है उसका 4 गुना हो चुका है, तो नए शंकु के तो परिवर्तन किया, तो नए शंकु के आयतन से अनुपात क्या होगा, तो नया शंकु का आयतन होगा 4 और पुराने का होगा 1:4, ठीक। अब आपके लिए एक और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऐसा फालतू काम कोई करना नहीं, अगर वो बोल दे क्या बोला उसने शंकु के आधार का अर्धव्यास दुगना कर दिया जाए, अर्धव्यास दुगना कर दिया जाए पर त्रिज्या क्या होती है, आयतन में त्रिज्या क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर अगर दुगनी करी तो उसका वर्ग होगा, तो 2 × 2 कितना हो गया 4 और एच को परिवर्तन ही नहीं किया तो इसका मतलब होता है 4 गुना हो गया। और वो बोलता है एच को भी दुगना कर दिया जाए, एच को भी कितना कर दिया जाए दुगना कर दिया जाए, तो फिर यहां पे 4 का कितना गुना हो जाता है 3 गुना मतलब 8 गुना चीज हो जाती है, पर यहां पे ऐसा कुछ किया ही नहीं उसने, बात ही खत्म, नहीं किया तो अपने को कोई टेंशन लेना ही, चलिए हो गया काम अपना। तो कितना हो गया 4:1। अगला 88, यदि दिए हुए शंकु की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए, देखिए शंकु की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो आधार की त्रिज्या वही रहे, अरे एक बात बताओ तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा, देखो ध्यान रखिएगा पाई आर स्क्वायर एच, इसमें त्रिज्या वही रहे यानी त्रिज्या को छेड़ ही नहीं रहा है, और एच क्या कर रहा है वो दुगना कर रहा है, अच्छा एच की घात है क्या, नहीं है, तो एच अगर यहां पर 2h हो जाएगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा 2πr²h, ये पाई आर स्क्वायर एच और ये पाई आर स्क्वायर एच, इसका मतलब होता है तो दिए हुए शंकु के आयतन, दिया हुआ शंकु का आयतन 1 और दूसरा जो शंकु है वो हो जाएगा 2, तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:2। कुछ नहीं करना इनके बारे में, तो लिखना भी नहीं, मैं तो कह रहा हूं हाथ खड़ा करके ना उत्तर दो। देखो ऊंचाई, ऊंचाई की घात कितनी है 1, तो ध्यान रखिएगा अगर त्रिज्या को कांस्टेंट रख रहा है वो और ऊंचाई को बोले 3 गुना करे तो उसका आयतन 3 गुना हो जाएगा, ऊंचाई को 4 गुना करे तो आयतन 4 गुना हो जाएगा, अगर ऊंचाई को कांस्टेंट रखे और त्रिज्या तो उसके वर्ग, अगर ऊंचाई त्रिज्या को 3 गुना करे तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, उसका आयतन हो जाएगा 9 गुना, अगर ऊंचाई को 6 गुना करे तो उसका आयतन हो जाएगा 6×6 = 36 गुना, ठीक है
समझ पा रहे हो? ये सवाल है बिल्कुल, बड़े प्यारे प्यारे सवाल है, आनंद आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर, ये सवाल तो मेरे को तो मजा नहीं आया इसको देख के उत्तर लगा दिया मैंने। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात 5:12 है। एक बात ध्यान रखिएगा, शंकु के बारे में हम बात करें तो ये रहा शंकु, त्रिज्या कितनी है 5 और ऊंचाई कितनी है 12, तो ये 13 हो नहीं रही है, बात तय है। अब यहां पे देखो, या तो 13 हो सकती है या 26 हो सकती है, इसमें और इसमें तो गफला है ही नहीं। थोड़ा ये दिक्कत हो सकती है कि ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 हो नहीं रही, परंतु दिक्कत क्या है, ये अनुपात में है, तो ये 10 होगी, ये 24 होगी, तो ये 26 होगी, ऐसा हो सकता है। बस हमारे पास ये दोनों ही उत्तर होंगे। बस अब ये आयतन आपको ये सवाल बताएगा कि इसका उत्तर कौन सा होगा। अब आयतन ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारा आयतन क्या है आपके पास, पाई आर, सॉरी शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये कितना दे रखा है 314/7, 1498 और 200, 3621 मतलब 2200/7। ठीक, अब यहां पे देखिए, अब यहां पे इसको सोल्व करते हैं तो 1/3 पाई का मान 2200/7, आर जो इसमें दे रखी है 5, तो 5×5 क्योंकि उसने त्रिज्या मतलब 5 दे रखी है, और ऊंचाई कितनी हो रखी है 12, ठीक बराबर 2200/7। देखिए काटते हैं, अब 3 × 3 = 12, और यहां पे करते हैं अपन और काटना शुरू करते हैं, 5×2 = 10, 10 × 4 = 40, 4×2 = 8, मतलब कुल मिला के ये भी हो गया 2200/7, कितना हो गया, फिर से देख ली काट, अगर आपको नहीं संतुष्टि हो रही है तो ये काटू, ये 2200 से ये 2200 कटा, कितना बचा 100 बचा, ये 7 से 7 कटा, ठीक है, अब यहां पे कितना बचा 4 कटा, 4 से ये 25, और 25 से 25 गया तो x की घात 3 = 1, क्योंकि यहां पर x था, यहां पे x था, और यहां पे x था, तो x की घात 3 = 1, तो x बराबर कितना हो गया 1, x बराबर 1 मतलब होता है 12, 5 और 13, बिल्कुल सही है, इसका मतलब 13, अगर x बराबर 2 आ जाता तो इसका उत्तर क्या होता 26 होता, तो उत्तर केवल ये और ये ही होना था, उसके अलावा ये दोनों तो संभव ही नहीं है किसी कंडीशन में। तो सवाल बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, ठीक है, अब आगे हम सवाल लास्ट सवाल करते हैं, लास्ट सवाल भी बड़ा सुंदर सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। एक शंकु की ऊंचाई में 100%, अच्छा शंकु की ऊंचाई में 100%, ऊंचाई का मतलब 100% का मतलब होता है दुगुना, 100% का मतलब होता है जो चीज एक थी वो 2 हो गई, तो इसका मतलब होता है चीज एक की 2 हो गई, ठीक, और आधार की त्रिज्या 200% बढ़ गई, 200% बढ़ने का मतलब होता है कोई चीज एक थी तो वो 3 हो गई, ध्यान रखिएगा 200% का मतलब होता है 1/2, यानी कोई चीज 2 थी तो उसमें 1 की वृद्धि होके 3 हो गई, यानी चीज कितनी हो गई 1 की कितनी हो गई 3 हो गई, 200% का मतलब 2/1, यानी 1 की वृद्धि होके वो 2 बढ़ गई, तो 1 की चीज कितनी हो गई 3 हो गई, सॉरी मैंने 200% को है ना 2/1 लिखना था, यानी चीज एक थी, 1 में 2 की वृद्धि होके कितनी हो गई 3 हो गई। अब आप ध्यान रखिए, तो नए शंकु का आयतन पुराने शंकु के आयतन का कितना गुना हो जाएगा, यानी इसका मतलब होता है कितना गुना हो जाएगा, यानी उनका अनुपात क्या हो जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा, मैं इसको आपको वो अभी शुरू शुरू में कंपाउंड इंटरेस्ट वाले से बताया था उसको बता देता हूं, ये 1 है तो ये 2 है, पर आधार में देखो आयतन पूछ रहा है, तो आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर कितनी बार होता है 2 घात में होता है, तो आर 1 से 3 हुई है तो एक और बार होगी 1 से 3, और एज कितनी हुई 1 से 2 ही, तो एक ही बार होगी, अब इन तीनों का गुणा 1 में 1 में 1 में 3 का गुणा 1, 3×9 = 18, इसका मतलब होता है आपका नया जो आयतन होगा वो 18 होगा और पुराना आयतन होगा 1 होगा, यानी इसका मतलब होता है उसने बोला नए शंकु का आयतन पुराने शंकु का आयतन का कितना गुना हो जाएगा 18:1 हो जाएगा, ये बड़ी शानदार चीज है। अब सोचोगे सर ये ऐसा समझ में नहीं आ रहा मेरे को, तो फिर भी मैं बताता हूँ एक सवाल, एक और तरीका बता देता हूँ उसको, तरीका क्या, आप तो तरीका तो क्या है, आप फोकट के यूं टाइम वेस्ट करना उन चीजों से, आप त्रिज्या कुछ भी मान लो, कितनी मान ली 10 मान ली, तो 10 अगर त्रिज्या मान ली तो क्या हो जाएगा पाई शंकु मतलब 1/3 का कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई 10 × 10 और ऊंचाई भी मेरे 10 मान ली, लो मेरी इच्छा 10 मान ली, तो क्या कर लोगे आप, मान ली तो 10 10 10 तो 1000, यानी 1/3 पाई 1000,
या आपका नया पुराना क्षेत्रफल। अब उसमें क्या कर दिया, ऊंचाई 100% बढ़ा दी। ऊंचाई 10 का 100% कितना होता है 20, और ये कितने हो गया 200% बढ़ा गया, यानी 30, यानी 30 गुणित 30 गुणित 10, 10 की कितनी हो जाएगी सॉरी 20, 3 3 9 9 दुनी 18, वही हो गया साहब आपका 1/3 पाई 1800। तो 1000 की चीज 1800 हो गई, तो कितना परसेंट बढ़ गई, वही 18 गुना बढ़ गई ना, कितना गुना बढ़ गई, ये 1 2 3 0 लगेगी तो 18, 1000 की 18000 हो गई तो कितना गुना बढ़ गई, 18 गुना बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, तो इसका मतलब वही 18:1, समझ पा रहा, मैं तो डायरेक्ट यहां पे बता रहा था आपको 18:1। देखिए ये सवाल बड़े अच्छे हैं, इस प्रकार से और भी सवाल आते जाएंगे, ठीक है। आने वाले समय में हम मैथ्स की मिसलेनियस क्लास जो डेली जो हमारा चैप्टर वाइज चल रहा है, मैथ्स की मिसलेनियस क्लास भी शुरू होगी, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा, मतलब चैप्टर क्या अभी चल रहा है, इसमें कम से कम 20-30 क्वेश्चन और आने वाले हैं अभी, तो अब तो चिंता मत करिए 90 पे एंड नहीं हो रहा है, कम से कम 20-30 क्वेश्चन और आने वाले हैं, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और कहीं भी कोई दिक्कत आए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।